साल 1911, दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी बैठे हुए थे स्टेज पर और सामने तमाम रियासतों के राजा महाराजा बैठे हुए थे। जॉर्ज पंचम के अभिवाद के बाद कार्यक्रम शुरू होता है। कार्यक्रम का एक पहलू था कुश्ती। भारत के बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, इनमें से एक का नाम था किक्कर सिंह का। किक्कर की उम्र तब काफ़ी हो चुकी थी, कुश्ती लड़ना छोड़ चुके थे, लेकिन उस रोज़ मौके पर मौजूद एक पहलवान ने किक्कर को चुनौती दे दी। पहलवान का नाम कल्लू। किक्कर से उसकी कुश्ती बनती नहीं थी, लेकिन फिर किक्कर ठहरे किक्कर। चुनौती से पीछे हटना उन्होंने सीखा नहीं था, लिहाजा आ गए मैदान में। इस कुश्ती को पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह भी देख रहे थे। महाराजा ने किक्कर को हारते देखा नहीं था, लेकिन उस रोज वो हुआ जो पहले नहीं हुआ था। जिंदगी भर जीतने वाला पहलवान आखिरी लड़ाई हार गया। इसके बावजूद किक्कर को भारत के सबसे बड़े पहलवान के तौर पर याद किया जाता है। भारत पाकिस्तान की सरहद पर बनी उनकी समाधि पर दोनों देशों के लोग आते हैं। क्या थी किक्कर सिंह की कहानी, उनका नाम किक्कर कैसे पड़ा, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पंजाब का तरन तारण जिला, यहाँ सरहद के पास एक गांव है, गांव का नाम खालड़ा। खालड़ा से कुछ दूर भारत पाकिस्तान की सरहद पड़ती है। सरहद के उस पार किक्कर सिंह की समाधि है। इसी जगह पर कभी किक्कर कुश्ती खेला करते थे। आज़ादी के पहले की बात है, एक भारत हुआ करता था लेकिन गुलाम। इस गुलाम भारत में रहने वाले ज्वाला सिंह और बीबी साहेब कौर के घर एक आज़ाद तबीयत औलाद हुई। तारीख थी 13 अक्टूबर सन 1857। बेटे का नाम रखा गया प्रेम सिंह। ज्वाला सिंह का परिवार पहले तरन तारण में रहता था, लेकिन फिर वो एक दूसरे गाँव में शिफ्ट हो गए जिसका नाम घनिए के था। यहाँ कुश्ती के शौकीन लोग रहा करते थे और खुद ज्वाला सिंह भी पक्के पहलवान थे। हालांकि उससे रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं होता था, इसके लिए ज्वाला सिंह ढुलाई का काम करने लगे। ज्वाला सिंह की जिंदगी अच्छी बीत रही थी, फिर एक रोज उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। लाइव हिस्ट्री इंडिया में आशीष कोचल ने किक्का सिंह पर एक लेख लिखा है। आशीष लिखते हैं कि ज्वाला को पुलिस ने पकड़ कर जेल में डाल दिया। क्यों हुआ यूं कि पंजाब में चोर उचक्कों डाकुओं का आतंक था, पुलिस थी निकम्मी, इसलिए अक्सर मासूम लोगों पर इल्जाम लगाकर जेल में डाल देती थी। ऐसा ही ज्वाला सिंह के साथ भी हुआ। अमृतसर के एक सरकारी बैंक में डाका पड़ा और पुलिस ने ज्वाला सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया। अदालत ने भी ज्वाला की एक नहीं सुनी, उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई। पुलिस ने ज्वाला के अलावा उनके दो भाइयों पर भी केस बनाया, लेकिन वो भाग निकले। इस चक्कर में ज्वाला की पत्नी बीबी साहेब कौर और बेटा प्रेम सिंह अकेले पड़ गए। साहेब कौर बेटे के साथ मायके चली गई। यहाँ से प्रेम सिंह के पहलवान बनने की कहानी शुरू होती है। उसने ट्रेनिंग शुरू की और कुश्ती के मैच लड़ने लगा। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा, लेकिन ये नाम प्रेम सिंह नहीं, किक्कर सिंह था। प्रेम सिंह का नाम किक्कर सिंह कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक रोज प्रेम सिंह कुश्ती लड़कर घर आया, भूख लगी थी, माँ से खाना मांगा। माँ ने जवाब दिया, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, कैसे पकाऊं। ये सुनकर चिढ़ा हुआ प्रेम सिंह घर के बाहर गया और एक पेड़ उखाड़ कर ले आया। पेड़ चूंकि कीकड़ का था, इसलिए उस दिन से प्रेम सिंह का नाम हो गया किक्कर सिंह। ये कहानी हालांकि कुछ लोगों का ही मानना है, चूंकि कीकड़ लंबा चौड़ा था इसलिए लोग उन्हें किक्कर का पेड़ कहने लगे। बहरहाल आगे की कहानी आप सुनिए। किक्कर सिंह यहाँ कुश्ती में नाम कमा रहे थे, उधर उनके पिता ज्वाला सिंह जेल में थे। बेटे से मिलने की तमन्ना थी, लेकिन ये होता कैसे। ऐसे में एक रोज ज्वाला सिंह की किस्मत और हिम्मत ने उनका साथ दिया। वायू की एक रोज जब ज्वाला सिंह एक अंग्रेज अफसर के बगीचे में काम कर रहे थे, जिस बंगले में अफसर रहता था उसमें आग लग गई। उस वक्त ऐसा होता था कि कैदियों को अफसरों के घर में दफ्तर में काम करने के लिए भेजा जाता था। बहरहाल अंग्रेज अफसर के बंगले में जो आग लगी थी वो देखते ही देखते पूरे बंगले में फैल गई। बेचारे अफसर का परिवार, बीवी बच्चे सब अंदर थे, अफसर दफ्तर में था। ऐसे में ज्वाला सिंह ने आओ देखा ना ताओ और बंगले में घुस गए। अपनी जान की परवाह किए बिना वो अफसर के परिवार वालों को बचाकर बाहर ले आए। अंग्रेज अफसर को जब इस घटना का पता चला, वो ज्वाला का कर्जदार हो गया। उसने ज्वाला को इनाम दिया, लेकिन साथ ही ये भी ठान लिया कि ज्वाला को बाहर निकालेगा। उसने ज्वाला के केस की दोबारा जांच की। जांच में पूरी कहानी साफ हो गई। पुलिस वालों ने जानबूझकर ज्वाला को झूठे केस में फंसाया था। केस दोबारा अदालत में गया और ज्वाला सिंह को रिहा कर अपने परिवार के पास लौटा दिया गया। ज्वाला के लौटने से किक्कर की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। जहां पहले परिवार का खर्चा चलाना पड़ता था, किक्कर ने अब पूरा ध्यान कुश्ती में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बूटा पहलवान को अपना गुरु बनाया। बूटा तब रुस्तम ए हिंद हुआ करते थे। उन्होंने किक्कर को कुश्ती के दांव पेच सिखाए। किक्कर ने भी जी तोड़ मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि किक्कर नामी पहलवान बन गए, ऐसा पहलवान जो किसी को भी धूल जटा सकता था।
उस दौर में पहलवानी में पैसा सिर्फ रजवाड़ों वाली कुश्ती में था। रियासतों में राजे महाराजे कुश्ती का आयोजन करते थे। नाम बनाने के लिए किक्कर सिंह ने इन्हीं आयोजनों का रुख किया। जम्मू से लेकर कलकत्ता तक किक्कर सभी जगह गए और हर जगह उन्होंने सिर्फ जीत हासिल की। लाहौर अमृतसर के कई पहलवानों को उन्होंने एक ही दांव में धूल जटा दी थी। उनका डील डॉल ऐसा था कि सामने वाला देखते घबरा जाता था। कहते हैं किक्कर सिंह का कद करीब 7 फुट के आसपास था। इसके अलावा वजन था 300 किलो, छाती 80 इंच की। ऐसे भीमकाय व्यक्ति के सामने कौन ही खड़ा हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ पहलवान थे जो जोर आजमाइश करते थे। इनमें से एक का नाम था चरण पहलवान। चरण पहलवान ने एक बार किक्कर से कुश्ती की पेशकश की, हालांकि साथ ही कहा कि दोनों महज नाटक करेंगे। चरण महाराजा के सामने किक्कर सिंह से कुश्ती करना चाहता था ताकि उसका नाम हो जाए। एन तारीख को जब कुश्ती का मौका आया, चरण और किक्कर आमने सामने आए। तय हुआ था कि कोई जोन नहीं लगाएगा, लेकिन फिर जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, चरण ने चालाकी दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। चरण ने एक जोर का दाव लगाया और किक्कर को चित कर दिया। चरण सिंह जीत गया। ये देखकर किक्कर को बहुत गुस्सा आया। वो महाराजा के पास गए, उन्होंने पूरी कहानी उन्हें सुना दी। महाराजा को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चरण और किक्कर दोनों को जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बाद जब महाराजा का गुस्सा शांत हुआ, उन्हें समझ में आया कि किक्कर सिंह चरण सिंह की चालाकी के शिकार हुए हैं। उन्होंने आदेश दिया एक बार फिर से कुश्ती होगी। इस बार किक्कर ने पलक झपकने से पहले ही चरण को अपने शिकंजे में पकड़ लिया और जमीन पर दे मारा। किक्कर जीत गए। इस बात से खुश होकर महाराजा ने उन्हें ढेर सारे इनाम दिए। किक्कर ने उसके बाद कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी नहीं हारे। हालांकि अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उनकी मौत साल 1914 में हुई। उनके गांव में उनकी एक हवेली हुआ करती थी, जिसमें उनकी मौत के बाद उनकी समाधि बनाई गई। ये समाधि आज भी कायम है। बंटवारे से पहले कहते हैं आसपास का हर पहलवान कुश्ती से पहले किक्कर की समाधि पर आया करता था, लेकिन फिर बंटवारे में ये समाधि पाकिस्तान के हिस्से चली गई, जहाँ उसकी हालत जर्जर बनी हुई है। आज की तारीख के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।